धान की फसल मड़ाई करते समय ट्रैक्टर में लगी आग। किसान की 8 बीघे धान की तैयार फसल जलकर हुई खाक। तैयार धान के फसल की मड़ाई करते समय ट्रैक्टर के साइलेंसर से निकली एक चिंगारी के कारण ट्रैक्टर सहित किसान की 8 बीघे धान की तैयार फसल जलकर राख हो गई। घटना बारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनबरसा गांव में घटी, जहां पर शाम 5 बजे के आसपास सोनबरसा गांव के ही किसान तीरथ सिंह पटेल के द्वारा अपने तैयार धान के फसल की मड़ाई का कार्य किया जा रहा था कि अचानक ही ट्रैक्टर के साइलेंसर से निकली एक चिंगारी से धान के पुआल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। पुआल के बगल में खड़े ट्रैक्टर के साथ साथ धान की पूरी फसल भी आग की लपटों की चपेट में आ गई और जब तक स्थिति को लोग समझ व संभाल पाते तब तक ट्रैक्टर सहित पूरी फसल धू धू कर जलने लगी। मौके पर पहुंचने ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन पानी के अभाव में वे आग पर काबू नहीं पा सके, जिसके कारण पूरी फसल राख हो गई। पीड़ित किसान तीरथ सिंह के द्वारा बताया गया कि उनकी वहां पर 8 बीघे धान की फसल मौजूद थी जो जलकर राख हो गई। ट्रैक्टर सहित धान की फसल जलने से किसान का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बारा थाने की पुलिस के साथ साथ आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक किसान तीरथ सिंह की पूरी फसल व ट्रैक्टर जलकर राख हो चुकी थी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से राजेश सोनकर की खास रिपोर्ट। मैं मिलवाता हूँ ट्रैक्टर मालिक से। आपका नाम क्या है? नाम बताइए अपना। तीरथ सिंह। ग्राम सुनवरसा। कैसे आग लगी? साइलेंसर पाइप से चिंगारी उठी, उसी से पुआल में पकड़ लिया।